हे वेलकम फ्रेंड्स, तो जैसा कि आप सब लोगों ने कल कहा था कि KYC नहीं हो रहा है, हाँ, और मैं जैसा कि कह रहा हूँ कि हो रहा है, तो ये डिफरेंस है हम दोनों में कि आप कह रहे हैं कि नहीं हो रहा है, कुछ लोग सहमत भी है हाँ हो रहा है और कुछ लोग सहमत नहीं है कि नहीं हो रहा है। बट जो मैं कह रहा हूँ वो सही कह रहा हूँ, KYC हो रहा है, 100% हो रहा है। चाहे मैं अगर आपको कह रहा हूँ ना जो हाँ हो रहा है, तो मेरी बात को थोड़ा सा भरोसा करो और बिलीव किया करो थोड़ा सा कि हाँ सही में कोई कह रहा है तो सच में हो रहा होगा, वो अपने तरफ से ऐसा नहीं कह रहा है। तो कल मेरे पास पेटीएम की तरफ से कॉल भी आया था, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। बस मेन पर्पस मेरा यही है कि मैं आप सबको दिखा सकूँ और बता सकूँ कि KYC हो रहा है। कल मैंने खुद जाके दो बंदे का करवाया है KYC। एक बंदा जो है वो कल कॉल पर मेरे को फ़ोन किया था, बहुत बार वो डिस्टर्ब हो चुका था, पता नहीं उसे बहुत दिक्कत है उसे, शायद इस वजह से उसने मेरे को बार बार कॉल किया। पर उसका जो बोलने का तरीका था वो बहुत अच्छा था, वो बिहार से था, छपरा से था, तो अच्छे से बात भी कर रहा था, अच्छा लगा उससे बात करके। और उसने कहा भाई मेरा KYC करवा दो कैसे भी, तो मैंने कहा आपके आसपास में कोई नियर बाय सेंटर है, तो बोला नहीं है, और है भी तो वो कर नहीं रहे हैं। तो मैं बोला आपसे जो बड़े मार्केट में होंगे, आप मेरी पूरी बात सुनिएगा KYC को लेकर है ये, तो यहाँ पर जो है। और एक थे जो बोल रहे थे कि क्यों बेवकूफ़ बनाते हैं, बहुत सारे ऐसे कमेंट भी थे, और मैं करवा के आया हूँ तो मैं झूठ तो बोलूँगा नहीं। और यहाँ पे मैं आपको पेटीएम की तरफ से खुद उन्होंने कॉल किया था मुझे कि मैं आपको दिखा देता हूँ, पहले सबसे पहले यहाँ पे एक मिनट कहाँ गया, तो मुझे जो है पेटीएम की तरफ से ही कॉल आया था, मैं आपको वो इस क्या कहते हैं दिखा देता हूँ, यहीं पर रहता है मैसेज। वन मिनट, अभी मैं चेक करके आपको दिखाता हूँ कहाँ गया। तो जैसा कि फ्रेंड्स आप लोग यहां पे देख रहे होंगे, योर कन्वर्सेशन और योर 24x7 हेल्पलाइन नंबर, यू हैव रिसीव्ड अ मैसेज फ्रॉम पेटीएम के, ये मुझे पेटीएम की तरफ से खुद कॉल उन्होंने किया था, वो भी शाम के टाइम में, शायद उस टाइम 6:30 हो रहा होगा, ये 6 हो रहा होगा, मैं उस टाइम बाहर था, तो मेरे भाई ने कॉल रिसीव किया था। बट वो जो कह रहे थे, उनके कहने के मुताबिक आपने जो, उन्होंने कहा कि आप बता रहे हैं कि KYC हो रहा है, मैंने कहा हाँ 100% हो रहा है, मेरे अगल बगल में नहीं कर रहे, बट दूर दूर जहाँ पे मैं गया हूँ वहाँ पे हो रहा है, और मैं आज खुद करवा के आया KYC। तो बोले कहाँ से करवाए हैं, मैंने कहा मैं गया था पश्चिम बिहार ईस्ट, पश्चिम बिहार वेस्ट, तो पश्चिम बिहार वेस्ट में जाके हो चुका है उनका। मेरे साथ एक यानी ओला का ड्राइवर था, एक ऊबर का ड्राइवर था, दोनों का, तो मैंने बोला ऊबर वालों से उन्होंने बात किया था तब जाके उनका हुआ, ऊबर से पता नहीं आपका क्या कॉन्टैक्ट है, पर उसका KYC हो गया, क्योंकि उसको पैसे जो है वो लेने पड़ते हैं, लोग उसका जो है रुपए लेते नहीं हैं, कैश देते हैं, तो कैश वो जैसे कि कोई पेटीएम भी करता है, कोई कैशलेस करता है, तो पेटीएम में डायरेक्टली आ जाता है, तो उसके पास पेटीएम था नहीं। तो मैंने कहा चलो हम पेटीएम KYC करवाते हैं, तो उसने अपने कंपनी में बोला कि मुझे पेटीएम KYC तो हो नहीं रखा, तो रुपए कैसे लूँगा। तो उसने बोला कि यानी कंपनी वालों ने कहा ओला के और उबर के, जो 100% होगा, ओला वाले ने भी कहा, उबर वाले ने भी कहा, दोनों जो कैसे, तो बोला हाँ हो जाएगा, पश्चिम बिहार वेस्ट में जाओ अपने इलाके में, तो पश्चिम बिहार वेस्ट गया, ठीक है। तो वहाँ पर जाके उसका जो है एक छोटा सा दुकान था, उसने कुछ नहीं लिया, उसने बस उसका पैन कार्ड मांगा, और पैन कार्ड देख के उसका फुल्ली KYC कर दिया, जबकि आज तक उसने मिनी KYC भी नहीं किया था और ना फुल KYC किया था, उसने तुरंत का तुरंत अकाउंट बनाया था, आज से पहले उसने कभी अकाउंट नहीं बनाया था। और लोग कह रहे हैं कि न्यू यूजर का KYC नहीं हो रहा है, पेटीएम वाले कहते कुछ है और होता कुछ है, तो मुझे समझ नहीं आया कि वो लोग जो कहते हैं जो KYC तो नहीं हो रहा है बट न्यू यूजर का भी KYC हो रहा है, ये कैसे हो सकता है, मुझे खुद समझ नहीं आ रहा वो KYC कैसे कर दिया और उसका KYC कंप्लीट हो गया। बट उसके लिए एक कंडीशन था उसके पास, बोला कि अगर मैं KYC करता हूं तो आपके पास पहले से एक बैंक अकाउंट होना चाहिए, आपके पास पेटीएम पेमेंट बैंक नहीं होगा, ठीक है, पेटीएम पेमेंट बैंक आपका नहीं होना चाहिए, दूसरा कोई सा बैंक हो, फिजिकल यानी ये वर्चुअल वाले नहीं चलेंगे, जैसे कि एयरटेल हो गया, ये सब बैंक आपका नहीं चलेगा। अगर आपको तुरंत अगर KYC करवाना है तो आपके पास जैसे येस बैंक हो गया, कोटक बैंक हो गया, ये दूसरे तरीके के जो बैंक होते हैं, पंजाब नेशनल बैंक हो गया या फिर SBI बैंक हो गया, कोई सा भी बैंक चलेगा, पर ये वर्चुअल वाले नहीं चलेंगे, जैसे कि एयरटेल जियो ये सब वाले नहीं चलेंगे। तो वही मैं उनसे कहा कि ऐसा क्यों, तो बोले पता नहीं ये रूल है, तो मैं तो जैसा मुझे ऊपर से ऑर्डर आता है वैसा मैं करता हूँ, तो आप लोग के पास एक बैंक अकाउंट होना चाहिए, और अगर पैन कार्ड है, वोटर आईडी कार्ड है तो हो जाएगा, आप मेरे पास आइए किसी और को लेके। तो मैंने उनसे बात बात किया, तो उन्होंने कहा ठीक है मैं यहाँ पश्चिम बिहार वेस्ट में ही रहता हूँ, आप यहाँ से किसी को भी भेज सकते हैं अपने नाम के थ्रू, यानी मेरा नाम अगर आप इधर आसपास में एरिया में रहते हैं और आशुतोष नाम से अगर वहाँ पे आप जाते हैं तो आपको कुछ ना कुछ डिस्काउंट भी दिया जाएगा, और हाँ आपका KYC कर दिया जाएगा, चाहे न्यू यूजर हो चाहे ओल्ड यूजर हो, क्योंकि मैंने कल न्यू यूजर का KYC करवाया है, इस वजह से मैं ये प्रूफ के साथ कह रहा हूँ। और आपको आगे आपकी मर्जी, आप जो सोचो नहीं सोचो, मैं उससे कोई मतलब नहीं रखता। और आपको मैं पेटीएम के नंबर भी दिखा देता हूँ, उसी की तरफ से कॉल भी आया था,
तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे 5:40, जैसा कि मैंने बोला था 6:30 के आसपास में कॉल आया था, तो यह पेटीएम का नंबर उधर से ही कॉल आया था और यहाँ पे जो है मैंने रिसीव किया था। ठीक है, तो बस यही था कि KYC हो रहा है चाहे न्यू यूजर हो चाहे ओल्ड यूजर, ऐसा कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपका न्यू यूजर होगा तो नहीं होगा। हाँ, एक कंडीशन ये भी है कि अगर आप अपने इधर इधर आसपास के इलाके में कर रहे हो नहीं हो रहा है तो आपके आधार OTP से करेगा। ठीक है, यानी 15 तारीख को ये अपडेट भी उन्होंने दिया था कि क्या कहते हैं क्या, हाँ, आधार OTP से आपका ये जो है KYC होगा। बट जो भी आप आसपास में है उनसे पूछे कि आधार OTP से करोगे तो भाई कर दो अगर हो रहा है तो, और नहीं हो रहा है तो कोई ऐसी बात है नहीं। तो मैं यही बस आपको समझाने वाला था कि न्यू यूजर हो चाहे ओल्ड यूजर, सबका KYC कंप्लीट हो रहा है, क्योंकि कल एक न्यू यूजर का, एक नहीं दो न्यू यूजर का मैंने KYC करवाया है। तो आशा करता हूँ आपको इस वीडियो से बहुत सारे इन्फॉर्मेशन मिले होंगे, इन्फॉर्मेशन मिला हो तो प्लीज़ एक लाइक करते जाना और अपने दोस्तों को भी बता देना, इस वीडियो को शेयर कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।